मशहूरी जमाना बुजुर्ग हजरत सैयदना शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोजा सालाना उर्से मुबारक ईदगाह मुरादाबाद के पीछे वाकई हजरत के आस्थाने आलिया पर हर साल की तरह इस साल भी 5 रजब शरीफ यानी 13 मार्च 2019 बुध के दिन से शुरू हो रहा है। आस्थाने मुकम्मली के सजादा नशीन और ऑल इंडिया खानकाही एकता मिशन के कन्वीनर अलहाज सैयद शिबली मियां ने ये इत्तला देते हुए मजीद बताया कि दौरान उर्स तीनों रोज बाद नमाज फजर कुरान खानी की जाएगी और पहले रोज बाद नमाज मगरिब जामिया चिश्तिया रुदौली शरीफ की शाख मदरसा मुकम्मली से फारिग होने वाले तलाबाए अजीज के दस्तार बंदी व उलमाए किराम की तकरीर का प्रोग्राम होगा जो नमाज ईशा तक जारी रहेगा। 13 मार्च को आस्थाने आलिया पर वाकई मुकम्मली मस्जिद में नमाज ईशा ठीक 10 बजे शब होगी और नमाज ईशा के बाद महफिल नातो मनकबत आरास्ता की जाएगी। अलहाज सैयद शिबली मियां ने बताया कि दस्तारबंदी के प्रोग्राम में दरगाह शेखुल आलम हजरत शेख अहमद अब्दुल हक रुदौलवी रहमतुल्लाह अलैह के सजदा नशीन हजरत अम्मार अहमद अहमदी अलमारूफ हजरत नैयर मियां हकी साबरी के साहबजादे हजरत आफाक मियां अहमदी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत फरमाएंगे। दूसरे रोज 6 रजब यानी 14 मार्च को बाद नमाज मगरिब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का कुल शरीफ और बाद नमाज ईशा महफिल सिमा होगी। उर्से मुबारक के तीसरे व आखिरी रोज 15 मार्च 2019 को सुबह 10 बजे हजरत सैयदना शाह मोहम्मद मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह का विसाली कुल शरीफों का और रात को बाद नमाज ईशा महफिल सिमा होगी। अलहाज सैयद शिबली मियां ने यह भी बताया कि उर्से मुबारक के आखिरी रोज यानी 15 मार्च को हर साल की तरह इस साल भी बाद नमाज ईशा कलियर शरीफ से भेजा गया गिलाफ मुबारक कलियर शरीफ के साहिब सज्जादा हजरत शाह मंसूर मियां साबरी के बिरादरी खुर्द हजरत नैयर अजीम फरीदी अलमारूफ राजी मियां की क्यादत में हजरत शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर पेश किया जाएगा। अलहाज सैयद शिबली मियां ने बताया के शहनशाह मुरादाबाद हजरत सैयदना शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा उर्स 5, 6, 7 रजब को मुनक़िद होता है जो इस बार 13, 14, 15 मार्च बैठ रही है बरोज़ बुध जुमरात जुम्मा। इस मौके पर पहले रोज़ 5 रजब को बाद नमाज फजर कुरान खानी जो तीनों दिन हसब मामूल होती है इंशाअल्लाह होगी और उसके बाद नमाज ज़ुहर हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का कुल शरीफ पेश होगा नज़र पेश होगी और उसके बाद लंगर होगा। बाद नमाज मगरिब यहाँ पर हमारे जद्दामजद हज़रत अबुल फराज़ सैदारुल वास्ती रहमतुल्लाह अलैह का कुल शरीफ होगा और जुमला बुजुर्गान दीन की नज़र पेश होगी। उसके बाद जो यहाँ पर मदरसा मुकम्मली तालीमुल कुरान ब्रांच जामे चिश्तिया रदौली शरीफ जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं उसके अंदर यहाँ पर इस साल जो बच्चे फारिग हो रहे हैं उनकी दस्तारबंदी की जाएगी उन्हें सनद दी जाएगी और इस मौके पर जामे चिश्तिया रदौली शरीफ से क़िबला नैयर मियां साहब के साहबजादे सैयद आफाक मियां साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके साथ और लोग भी आलिम दीन आ रहे हैं जो यहाँ पर तकरीर करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह बाद नमाज ईशा यहाँ पर एक नातिया महफिल रास्ता की जाएगी। इस दौर में मैं आपको एक बात ताकीद कर दूं कि जो दस्तार का प्रोग्राम होगा और तकरीर का प्रोग्राम होगा उसके अंदर एक वक्त की कोताही किल्लत रहती है ज़रा सी, तो हमने यहाँ पर यह तय करा है कि इंशाल्लाह हम 10 बजे ईशा की नमाज़ करेंगे मगरिब से और ईशा के बीच में जो है ये अपने जो प्रोग्राम है तकरीबी वो करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ठीक 10 बजे के बाद हम ईशा की नमाज़ के बाद यहाँ पर जो नातिया महफिल होती है सालाना वो इंशाअल्लाह उसका अहतमाम होगा। 14 मार्च को क्या 14 मार्च को ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताया रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैह रहमत रिजवान का कुल शरीफ होगा। किस वक्त? बाद नमाज मगरिब होगा और उसके बाद महफिल समा और लंगर होगा और हजरत सैयदना शाह मुकम्मल साहब अलैह रहमत रिजवान का कुल शरीफ 7 रजब को बरोज जुमा इंशाअल्लाह सुबह ठीक 10 बजे आस्थाने आलिया दरगाह हजरत सैयदना शाह मुकम्मल साहब ईदगाह के मैदान के पीछे वो होगा और उसके अंदर महफिल सिमा और लंगर खानी जो होती है वो सुबह में और शाम में ईशा के बाद से जो महफिल शुरू होगी वो इंशाअल्लाह फजर तक जारी और सारी रहेगी। मैं तमाम ही अकीदतमंद हजरात से गुजारिश करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ लाएँ। हमारे बीच रदौली शरीफ से भी तशरीफ़ ला रहे हैं यहाँ पर मेहमान
जनेठी शरीफ से भी आएंगे, रजबपुर शरीफ से भी आएंगे, रामपुर से भी आएंगे, दिल्ली से भी आ रहे हैं हजरात, गाजियाबाद से, मुख्तलिफ जगहों से हमारे मेहमान की आने की तवक्को है। और एक जो हमारे यहाँ सालाना मिलाद शरीफ हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक की बारगाह से आता है यहाँ पर पेश होने के लिए, क़िबला राजूमिया साहब वो लेकर आते हैं, खानकाह कलीमी से, भट्टी मोहल्ले से वो गिलाफ यहाँ आता है। इंशाल्लाह वो हसब मामूल जो होता पेश होता चला रहा है वो इंशाल्लाह वो इस बार तो साथ। वो गिलाफ शरीफ किस तारीख को और किस वक्त यहाँ पेश किया जाएगा? 7 तारीख को, यानी 15 मार्च को जुमे के दिन इंशाल्लाह बाद नमाज ईशा पेश किया जाएगा। इस मौके पर आस्ताना मुकम्मली के सजादा नशीन अलहाज सैयद अहमद कमाल उर्फ गुल्लुमिया ने भी उर्स के प्रोग्रामों के बारे में जानकारी देते हुए बताया। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जैसा कि आपको तारीखों का और बाकी तफसील शिवलिमिया ने आपको बता दी, कव्वाल जावेद अजीम कव्वाल हैं जो अमरोहा से तशरीफ ला रहे हैं, और भी बहुत से कव्वाल हैं और काफ़ी तादाद हो जाती है, वालों की रामपुर से भी हैं और कुंदरकी से भी हैं। खैर, उसके अलावा मैं एक ये अर्ज़ करूँ आपसे कि शाह मुकम्मल साहब जो शाह भी हैं और मुकम्मल भी हैं, इनके दरबार में मेरे ख्याल से बड़ी दूर दूर तक ये सिलसिला नहीं है कि साबिर पाक के गिलाफ शरीफ यहाँ पर आए और वो पेश किया जाए। ये बहुत बहुत दूर तक लोगों के दरबारों में नहीं है। बहुत बड़े बड़े दरबार हैं, सब हमारी नज़र में बड़े हैं, मगर ये शाह मुकम्मल साहब की अल्लाह के करम से और उनके बुजुर्गों को, बुजुर्गी को देखते हुए, हजरत सैयद हजरत जनाब मंसूर एजाज साहब से आपके छोटे भाई नैयर अजीम उर्फ राजूमिया साहब ने ये कहा कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं मुरादाबाद हजरत सैयद ना शाह मुकम्मल साहब में साबिर पाक का 4 नंबर का गिलाफ पेश करूँ। तो बदस्तूर जुमला पिछले सालों से ये गिलाफ शरीफ यहाँ आता रहा है और पेश होता रहा है। इस साल भी वो गिलाफ शरीफ पहुँच गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो 7 तारीख में ईशा के बाद यहाँ पर 7 रजब को और 15 मार्च को वो पेश होगा। और उसके साथ साथ हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से भी एक गिलाफ आ रहा है, वो भी उसी दिन इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। राजूमिया साहब का मसला यह है कि वो मेरे पीर भाई भी हैं और उन्होंने बाबा जी से अर्ज़ किया था, मेरे पीर मुर्शिद से, कि मेरा मकसद ये है कि मैं यहाँ सरकार में बुलाऊँ। और राजूमिया साहब के भाई जो साहिब सज्जादा हैं कलिया शरीफ के, उन्होंने उनकी ये बात मानी और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी गिलाफ आ चुका है और वो इंशाल्लाह पेश किया जाएगा।